किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। वो लोग ज़्यादा बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात ज़्यादा समय तक याद रहती है। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को शुरू में बहुत मेहनत करनी चाहिए, इसलिए उसे बहुत सारे खाली समय का त्याग करना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उत्साही खुशी है, लेकिन जब आप उत्साहित होते हैं तो आप शांत नहीं होते। सच्ची खुशी शांति पर आधारित है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट के एक ही दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वह जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। आपकी दृढ़ शक्ति ही आपकी किसी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकती है। जब विश्वास टूटता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास उठता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सिर्फ धोखा ही सूद मिलता है इस जमाने में साहब, बाकी तो सब में मिलावट है। आपका फैशन सेंस कैसा है? लोगों की नज़र सबसे पहले आपके पहनावे की तरफ जाती है, इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। सच्चे प्रेमी अक्सर पाते हैं कि बात करने के लिए उनके पास ज़्यादा बातें नहीं है, क्योंकि प्रेम के पास ज़्यादा अभिव्यक्तियाँ नहीं होती। सच्चे प्रेमी बात करते करते मौन हो जाते हैं। अगर आपका दिल टूट गया है और आपका मन बहुत रोना चाहता है तो उसे रोके नहीं, उसे रोने दें। रोने के कुछ देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार पैदा होंगे। एक प्रेम भरी नज़र पर्याप्त है किसी के रग रग में बसने के लिए। अगर आप सोचते हुए सोते हैं तो दिमाग नींद में भी सोचता रहता है, जिससे आपको जागने पर आराम की फीलिंग नहीं आती और थकावट महसूस होती है। अगर आपको किसी से ट्रू फीलिंग है तो वो हमेशा रहेगी, भले ही आप उसे नहीं पा सकते, आप हमेशा उसे खुश देखना चाहेंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे।